हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जर्नी एक्सप्लोरर चैनल में। ये आज का जो जर्नी है कुछ खास होने वाला है। एक्चुअली हम अपने जगह से काफ़ी दूर का मतलब ट्रेवल कर रहे हैं और उधर का एक्सप्लोर करेंगे। अभी का समय हो गया 9:28 और हमारे घर से निकला हुआ करीब 1.5 घंटे का हो गया। तो 1.5 घंटे के समय में हम यहाँ पगुड़िया पहुँचे हैं और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह वो सब का प्लान था, नाश्ता करके। और आप देख सकते हैं कि हमारा बाइक इधर गैरेज में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मोबाइल का इशू हो गया था, काफ़ी चल गया था और लॉन्ग जर्नी के लिए वो थोड़ा सूटेबल नहीं हो रहा था। तो ये सब जब सारा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे नाश्ता पानी करके फिर इधर चाय का भी प्रबंध हो गया, चाय भी पी के। आप देख सकते हैं कि ये पकुड़िया का मार्केट है। इस तरीके से छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट काफ़ी डेवलप्ड है। आज से कुछ साल पहले हम इधर आए थे, लगभग 8-10 साल पहले, तो इस तरीके का नहीं था, बहुत कम दुकान हुआ करता था, लेकिन आज काफ़ी डेवलपमेंट दिखा जा सकता है। और हमारा डेस्टिनेशन आज का फरक्का होने वाला है, जो कि इधर से काफ़ी दूर है। उधर पहुंच के फिर देखते हैं, तब तक आप वीडियो पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हम पहले पाकुड़िया में थे और पाकुड़िया से अब पाकुड़ पहुँचने वाले हैं। ये जो छोटा सा मार्केट दिख रहा है, टाउन जैसा दिख रहा है, ये पाकुड़ का शुरुआती एरिया में से है। तो ये काफ़ी अच्छा है, छोटा सा शहर है झारखंड का और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ मुर्शिदाबाद से। और भीड़ भाड़ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, लोग यहाँ के काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मदद करते हैं, बीच बीच में हमारा इधर आना जाना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एशिया का बेहतरीन पत्थर उद्योगों में से मतलब एक है। यहाँ का पत्थर का जो क्वालिटी है बहुत तगड़ा रहता है और यहाँ के जो मुख्य व्यावसायिक स्रोत है कोयला और पत्थर ही है। तो इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो आप नहीं देख सकते हैं इधर में, लेकिन जो भी है काफ़ी अच्छा है, खुशहाल है, पहाड़ों से घिरा हुआ है पाकुड़ और जंगल भी काफ़ी है इधर में। आप देख सकते हैं हम सिविल कोर्ट पहुँच चुके हैं, जो इसी रास्ते में है। आगे थोड़ा सा हमें काम है, काम कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सामने आपको बड़ी बड़ी चिमनी और एक चौड़ा सा 4 लेन का हाईवे दिख रहा होगा। तो अब हम ज़्यादा दूर नहीं है फरक्का से, महज कुछ ही दूरी है, हम फरक्का पहुँचने वाले हैं। पहुँच के फिर दृश्य दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हम जिस ब्रिज में हैं वो फरक्का ब्रिज है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी दूरी है। अगर सुबह की बात करें तो काफ़ी सुबह हम निकल चुके थे, लगभग 8:30 बजे, और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद 2:30 बजे हम ये ब्रिज पहुँचे हैं। काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, लगभग हमारे घर से 130-140 किलोमीटर का दूरी पड़ गया, तो फाइनली पहुंच गए। आप होपफुली देख रहे हैं पूरी वीडियो। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रेन है ये ब्रिज के ऊपर ही चल रहा है, एक साइड हमारा रोड है और एक साइड ट्रेन का जो पटरी है इसी में ट्रेनें दौड़ती है। ये लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रैक, और ये जो ब्रिज की लंबाई 2.5 किलोमीटर की है। और ये जो नदी आप देख सकते हैं ना, ये गंगा नदी के ऊपर ये फरक्का ब्रिज बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक मज़ेदार बात है, इस ब्रिज से बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी है। 18 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1961 में बनना स्टार्ट हुआ था ये ब्रिज और 1972 में कुल 11 साल में ये बन के तैयार हो गया था। और 2.5 किलोमीटर की जैसे कि लंबाई है और गेट की बात करें तो 109 गेट है टोटल में। जैसे कि हमारा मसानजोड़ हो गया और ये जो छोटे छोटे हमारे झारखंड में जितने हैं वो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये वाला ब्रिज काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक चीज़ है ना, यहाँ पे कोई पहाड़ पर्वत नहीं है। अगला पूरा वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।